Assalamu alaikum, I'm back with the next lecture and today we are discussing about structural organization in animals. Ke animals ka structure kis tarah se organized hota hai, kis type ke tissues hote hain, kis type ke organs hote hain, kyunki hum sab ki body cells, tissues, organs and organ system se milke hi puri body ka shape aata hai. Now moving on, the very first one is the tissue. Tissue होता क्या है? Tissue जो है similar cells से मिलके बनता है और जो specific function perform करता है. Animal tissues जो हैं various type के होते हैं, like epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. Epithelial tissues वो होते हैं जो outer layer पे मौजूद होते हैं. कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है जेल लाइक फाइबर्स लाइक की फॉर्म में होते हैं, जो कनेक्शन में जो है इनका फंक्शन होता है. मस्कुलर टिश्यूज़ मसल्स में फंक्शन करते हैं और न्यूरल टिश्यूज़ ब्रेन के लिए होते हैं. अब जो है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो है बहुत फ्री सरफेस होता है इनका और जो है क्या कहते हैं फ्लैट सरफेस होता है. कवर्स और लाइंस बॉडी और बॉडी पार्ट्स और जो है सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड. इसमें जो सेल्स होते हैं वो बहुत टाइट तरीके से पैक्ड होते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज़ की भी दो टाइप्स होते हैं, एक सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू होता है और एक कंपाउंड लेयर एपिथेलियल टिश्यू होता है. सिंगल लेयर एपिथेलियल टिश्यू में सिर्फ एक लेयर होती है और मल्टी लेयर टिश्यू में जो है बहुत सारी लेयर्स होती हैं. सिंपल एपिथेलियम के भी टाइप्स होती हैं. पहले सबसे पहले कि जो है सिंपल एपिथेलियम में सिर्फ एक लेयर होती है और जो कैविटीज डक्ट्स और ट्यूब्स को कवर करती है. बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस इनकी थ्री टाइप्स होती हैं. स्क्वैमस एपिथेलियम जो बिल्कुल फ्लैट होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो क्यूब की शेप में होता है और कॉलमुलर एपिथेलियम जो कॉलम्स ऐसे लंबे लंबे सिलेंड्रिकल शेप में होता है. स्क्वैमस एपिथेलियम फ्लैट होता है जिसकी बाउंड्रीज भी इरेगुलर होती हैं. इसका फंक्शन जो है ना डिफ्यूजन में होता है और जो है ये ब्लड की वॉल्स लंग्स की जो है क्या कहते हैं एल्वोलाई में और ब्लड वेसल्स में जो है ये स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है क्यूब लाइक होता है और जो है ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में जो है इसका फंक्शन होता है. ये जो है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में पाए जाते हैं. नेफ्रॉन्स जो है किडनीज में होते हैं. कॉलमुलर एपिथेलियम जो है सिलेंडर जैसा होता है और जो है इनका न्यूक्लियस जो होता है ना वो नीचे होता है, मतलब बेस पे होता है. इनका फंक्शन भी जो है क्या कहते हैं सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में ही होता है. एक होता है सीलिएटेड एपिथेलियम जिसमें जो है सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब को प्रोटेक्शन देता है. और एक होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम जिसमें दो तरह के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डकलेस ग्लैंड होता है, मतलब उसमें कोई डक नहीं होती, वो सिर्फ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है. और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो है सिक्रीशंस होती हैं. कैसी सिक्रीशंस होती हैं? जैसे स्लाइवा, म्यूकस, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स टाइप की इसमें सिक्रीशंस प्रेजेंट होती हैं. जंक्शंस कहते हैं जोड़ को. जैसे हम किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, जैसे हम कपड़ों को जब सीरे होते हैं तो टांका लगाते हैं या कोई चीज़ टूट जाती है तो हम ग्लू से लगा के उसे जोड़ देते हैं, इस तरह सेल्स में भी जंक्शंस होते हैं. अब जो है जंक्शंस की भी टाइप होती हैं. एक टाइट जंक्शन होते हैं जिसमें जो है ना वो इतने टाइट होते हैं कि वो लीकिंग को जो है ना स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि सेल में भी लीकेज हो जाता है. अगर ये लीकेज हो जाए तो हम डेंजरस डिजीजेस जो हैं हमें हो सकती हैं. एडहेरिंग जंक्शंस, एडहेरिंग का मतलब होता है चिपक जाना. ये जो है ना सीमेंटिंग होती है एक तरह से सेल्स की एक दूसरे के साथ, ताकि जो है वो एक दूसरे से जो है अलग ना हो. गैप जंक्शंस का जो है काम होता है वो कम्युनिकेशन में होता है, ताकि जो है ना रैपिड ट्रांसफ़र हो आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, चाहे वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हों या जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स हों. अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़. कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये फाइबर लाइक होते हैं और जो है ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ये ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में होते हैं. सिवाय ब्लड के
सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो है फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि कोलेजन और इलास्टिन की प्रोटीन्स की मदद से बनते हैं, जो इलास्टिसिटी जो मतलब इलास्टिसिटी कहते हैं खिंचाव को, जो खिंचाव और ताकत स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं टिश्यूज़ को। अब जो है एनिमल टिश्यूज़ में जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ की भी टाइप्स हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़। लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये होता है कि जो है टिश्यूज़ जो होते हैं ना वो बहुत ढीले ढीले एक दूसरे से जॉइन होते हैं। इसमें जो है एरुलर और एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं इसकी एग्जाम्पल हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ में ये होता है कि फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, और जो है ना ये भी दो तरीके का होते हैं। एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसमें जो है ना बिल्कुल लेयर्स में बिल्कुल इक्वली बहुत अच्छे से जो है टिश्यू जो है पैक्ड होते हैं, और एक होते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें पैक तो होते हैं लेकिन इरेगुलर पैटर्न होता है, लाइक यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर दैट दे आर इरेगुलर इन शेप। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो हैं कार्टिलेजेस और बोन्स आ जाती हैं। बोन्स और कार्टिलेजेस का काम क्या होता है कि हार्ड होती हैं और जो है ये जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जो कार्टिलेज होता है ना जब हम एडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो ये जो है क्या कहते हैं बोन्स में तब्दील हो जाता है, और बोन्स जो है रिच इन कैल्शियम होते हैं, और अगर बोन्स में कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस एक कॉमन डिजीज़ है जो कि बहुत पाई जाती है, जो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। इसमें हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, मतलब कमज़ोर हो जाती हैं, ज़रा सी भी चोट लगने पे वो टूट जाती हैं। और बोन्स का फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करती हैं, बॉडी को एक अच्छा सा फ्रेमवर्क मतलब एक फ्रेम देती हैं जिस बॉडी को, ताकि जो है वो अच्छी लगे। अब है मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ क्या होते हैं, मसल टिश्यूज़ वो होते हैं जो बहुत सारे मसल्स फाइबर्स से मिलके बनते हैं, और इनमें मायोफिब्रिल्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का इनका काम होता है, ये भी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जो है हमारी मदद करते हैं। इनकी भी टाइप्स होती हैं लाइक स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ये जो है मसल्स जो है क्या कहते हैं हड्डियों में मतलब होते हैं, लाइक हमारे हैंड्स वगैरह में, ये स्टमक वगैरह में और हार्ट में भी ये मसल्स मौजूद होते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं। मसल्स टिश्यूज़ की जो है एक बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की हम एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें जो है हमारा हाथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जब हम मूव करते हैं। नाउ न्यूरल टिश्यूज़। न्यूरल टिश्यूज़ जो है ब्रेन में होते हैं, ये जो है न्यूरॉन से बने हुए होते हैं। इनका काम ये होता है कि बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है रखते हैं बॉडी में, और ये बहुत एक्साइटेबल लाइक करंट टाइप के सेल्स होते हैं। इनमें इम्पल्स, दे कैरी इम्पल्सेस। न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोलॉजिकल सेल्स। न्यूरल टिश्यूज़ को न्यूरोलॉजिकल सेल्स प्रोटेक्शन कर देते हैं। ना ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम। अभी जैसे मैंने शुरू लेक्चर में बताया था, सेल्स से मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके ऑर्गेन सिस्टम। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ असेंशियल फॉर बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़। अगर एक की भी कमी रह जाए तो हमारे अंडर डिसेबिलिटीज़ पैदा हो सकती हैं, इसी ने इनको जो है कोऑर्डिनेशन इनका बहुत ज़रूरी है, सेल्स का टिश्यूज़ से, टिश्यूज़ का ऑर्गन से, और ऑर्गन्स का ऑर्गन सिस्टम से। और एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ लाइक हार्ट हैज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यूज़। हाँ, हम थोड़ी सी जो है एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं कॉकरोच की। इसका जो बायोलॉजिकल नेम हो रहा है वो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है। ये क्लास आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, क्लास इंसेक्टर से बिलोंग करता है, फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा है, जीनस इसका पेरीप्लैनेटा है, और स्पीशी इसकी अमेरिकाना है। दे आर नॉकटर्नल। नॉकटर्नल उसे कहते हैं जो रात में ज़्यादातर पाए जाते हैं। आप लोग ने जैसे देखा भी होगा कि जो है कॉकरोच ज़्यादातर रात में निकल के आते हैं। ओमनीवोर्स मतलब ये ह्यूमंस और एनिमल जो है ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों की जो है ये जो है ना फीट पे जिंदा रह सकते हैं। इनका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, ब्राइट येलो होता है, ग्रीन होता है,
और कॉकरोच है ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाए जाते हैं। कॉकरोच के जो साइज़ होते हैं बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक होते हैं, और जिसमें उड़ने वाले कॉकरोच भी आ जाते हैं। इनका साइज़ 1.4 इंचेस टू 3 इंचेस मीन 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर तक के ये हो सकते हैं। और एडल्ट कॉकरोच जो होता है वो 34 टू 53 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, और इसकी बॉडी जो है काइटिन से कवर होती है। अब जो है इसके जो ईच एक हर सेगमेंट जो है ना, इसकी बॉडी के 3 रीजन्स होते हैं, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। हेड इसका जो है ट्रायंगुलर होता है और उसमें एंटीना भी होते हैं, और इनकी हर एक जॉइंट के साथ जो है लेग का पेयर मौजूद होता है। मेल्स जो है लार्ज होते हैं, देन फीमेल्स विंग्स जो है क्या कहते हैं एक्सटेंड नहीं होती एब्डोमेन तक फीमेल्स की, और मेल्स का एब्डोमेन नैरो होता है, और जो है फीमेल्स में ब्रूट पाउच जो है प्रेजेंट होता है। एनाटॉमिक इम्पॉर्टेंस कॉकरोच की क्या है, ये जो है अगर ये किसी फूड पे बैठ जाएँ तो उसे बिल्कुल ख़राब कर देते हैं और जो है उसको स्मेली कर देते हैं, और अगर ये किसी फूड पे बैठ जाएँ तो बहुत सारी बीमारियाँ भी कॉज हो सकती हैं, जैसे क्लोरेला, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जैसी खतरनाक बीमारियाँ ये कॉज करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।